बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिर को तोड़े जाने को लेकर अब अयोध्या के साधु संतों ने बड़ी चेतावनी दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार, जिस पर मंदिर को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसको लेकर आज अयोध्या के साधु संतों ने रोड पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारी मात्रा में साधु संत के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन में सड़क पर उतरे साधु संतों ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद नहीं हुआ तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। देश में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अयोध्या के साधु संतों ने कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, यह उचित नहीं है और इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार से अपील करते हुए साधु संतों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए, भारत सरकार इस पर कठोर कदम उठाए, नहीं तो भारत में बसे बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाएगा। आज जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज पर आतंक हो रहा, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा, उसके जो है उसके कारण हम लोगों को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एवं बजरंग दल के नेतृत्व में हम सब लोग रोड पर आए हैं। और आपको मैं बताऊं, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा, हमारी माँ बहनों की इज्जत ली जा रही, हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा कृत्य किया जा रहा। हम लोग तो सहज हैं, सरल हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले हैं, लेकिन ये अपराधी, ये जो है निशाचर का काम कर रहे जो आतंकवादी हैं, बताइए उनको मंदिरों से क्या दिक्कत है, उनको हमारे हिंदुओं से क्या दिक्कत है। जब हमारे हिंदुओं को वो मारेंगे तो हम यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को भी मार के देश से भगा देंगे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो शांत नहीं हुए तो हमारा हिंदू समाज बांग्लादेश पर भी हम सब लोग जाके आक्रमण करेंगे, और जैसा वो हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हम भी उनको मारेंगे। ओम शांति नहीं, अब ओम क्रांति का समय है। इसलिए जो है उनसे, अगर वो हमारे साथ बदले की भावना से जिएंगे तो हम भी जिएंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में हम सब पूज संत, सभी संतगण ये सब इसलिए यहाँ पर आए हैं कि अगर ये नहीं मानते, बहुत निवेदन आवेदन हुआ, अब निवेदन नहीं हुआ, अब याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। अरे रोहिंग्या मुसलमानों, समझ जाओ बांग्लादेशी, नहीं तुम्हारा बहुत दुर्दांत दुर्दशा होगी कि जिसकी तुमने परिकल्पना की होगी। जय सियाराम। निश्चित रूप से ये यात्रा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में अयोध्या के प्रतिष्ठित संतों के सानिध्य में ये यात्रा निकाली गई है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के पुजारियों को मारा जा रहा है, वहाँ के महिलाओं के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कृतघ्न किया जा रहा है, उसके विरोध में है। मैं सावधान करना चाहता हूँ बांग्लादेशियों को कि तुम्हारे यहाँ जो रहने वाले भारत देश में रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा यदि तुम लोग नहीं मानोगे तो। और मैं भारतवर्ष के जितने भी संत महात्मा हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, आप लोग रोड पर आइए, क्योंकि मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कब तक आप लोग मंदिरों में बैठे रहोगे? आप लोग मंदिर से बाहर निकल करके इसका विरोध करो, क्योंकि वहाँ के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के पुजारियों को मारा जा रहा है। जय श्री राम।